हेलो एंड वेलकम अगेन। सबसे पहले मैं सब लोगों का आप शुक्रिया करना चाहूंगा जो आप सब लोग मिल करके और आप लोगों के प्यार से ये चैनल 10,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा पहुंचा है। बहुत बड़े नहीं होते लेकिन मेरे लिए इतने बहुत हैं, क्योंकि मेरे लिए जितना प्यार आप लोगों ने मेरे को दिया है उस सब के लिए शुक्रिया। और आगे भी उम्मीद है कि लगातार अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और नए बच्चे जो 10th के आ रहे हैं उनको ज्योग्राफी के सारे टॉपोसिट और मैप देखने के लिए इस चैनल के ऊपर जरूर उनको भेजिए। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने ऊपर टाइटल देखा होगा, कि यू विल गेट मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, जो मार्क्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बार जो आपके एग्जाम कैंसिल हुए हैं और मार्क्स जो मिलने वाले, चाहे कोई भी दुनिया का फार्मूला लगा ले। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इनको कैसे पता चल गया, उनको कैसे, मैं सही बात है उन लोगों की भी, किसी को भी वहां के अभी अंदरूनी बात जब तक वो बाहर बताएंगे नहीं किसी को भी पता नहीं है। लेकिन ड्यू टू माय एक्सपीरियंस और जो मार्क्स उन्होंने मांगे हैं उस तरह से, और पिछली साल का जो उन्होंने क्राइटेरिया भेजा था, सारी चीजें मिला करके और जो एक एक्सपीरियंस से मिला करके सारा एक सिस्टम जो मैंने तैयार करा वो मैंने आप लोगों को बताया। ये मैं कभी नहीं कहता कि मेरे को ये ICSE से फार्मूला मिला है, ये फार्मूला मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया। और ये मैं आपको लगभग गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको उससे कम मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने सच्चे मार्क्स मेरे को बताए हैं। मैंने भी आपके प्रेडिक्शन करे, आपको बताए हैं मैंने जो मार्क्स, उससे 2 या 3% ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा उन मार्क्स का। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मार्क्स, वो फार्मूले मैंने बार बार बताए हैं, अभी फिर मैं आपको इस वीडियो में फार्मूला बता रहा हूं। 10th के अंदर आई हैव टोल्ड यू टू फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला आई हैव टोल्ड दिस, यू कैन सी इन दैट यू कैन फाइंड योर आंसर। आप इस फार्मूले को यू का यू जो यहां पे पूछा गया है वो मार्क्स आप अपने रखते जाइए, आपके मार्क्स पता लगेंगे। दूसरा फार्मूला भी मैंने आपको बताया जो इससे थोड़ा सा और सिंपल है, अगर आप उसको भी यूज करेंगे। पहला फार्मूला ये जो मैंने अभी आपको बताया है इसको अच्छे से यूज करिए, इसको एक फोटो क्लिप ले लीजिए, लेकर के जहां जहां जो चीज मांगी गई है उसको करते रहिए, आपके बिल्कुल मार्क्स एक्यूरेट आपको मिल जाएंगे और उस मार्क्स से कम आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। 2-1% में नहीं कह सकता ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऊपर ही होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि आप एक्यूरेट अपने मार्क्स जोड़ोगे। लेकिन स्कूल से जो मार्क्स गए हैं, जो मुझे उम्मीद है, जब टीचरों के हाथ में आती है, मेरे हाथ में आती है, तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स का भला हो। तो जिस भी टीचर का, अगर वो अच्छे से अच्छा टीचर है, तो उसके हाथ में जब मार्क्स आए होंगे देने के लिए, तो उसने आपको मार्क्स देने में कंजूसी, भले ही वो जब होम एग्जाम होते हैं वहां कंजूसी करते हैं टीचर, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं मिलेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अबव एक्सपेक्टेशन यू कैन एक्सपेक्ट योर ओन मार्क्स विद दैट फार्मूला, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर मार्क्स देन एक्चुअल मार्क्स फ्रॉम योर टीचर। तो इसलिए ये जो फार्मूला मैंने बताया, पहला फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला अब ये देखिए, इस फार्मूला ये दूसरा आपका है, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल है आपका, जितने मार्क्स आपके आए उसका 50% जोड़ दीजिए, हर सब्जेक्ट का 50% प्लस 50 और उसके अंदर जोड़ दीजिए, और जो आपका कैलकुलेशन होगा दैट विल बी योर परसेंटेज। तो ये 10th के दो फार्मूले थे। अब मैं 12th का फार्मूला भी मैंने आपको बताया है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला फार्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 12th का है। 12th के भी मैंने दो फार्मूले आपके बताए, एक उन सब्जेक्ट में जो 80 मार्क्स के हैं और एक उन सब्जेक्ट में जो आपके 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। तो पहला ये 80 मार्क्स का है, यू कैन सी दिस फार्मूला, ये 80 मार्क्स जो सब्जेक्ट हैं उनका इस तरीके से आप कर सकते हो। अब दूसरा फार्मूला जो आपका है ये देखिए, ये फार्मूला जो है ये 70% वाले सब्जेक्ट के लिए यू कैन यूज। अदर देन दैट ISC के लिए भी मैं एक तीसरा फार्मूला और यहां पे बता रहा हूं जो सिंपल है, जो कि मैंने आपको वहां पे 10th में भी बताया था। इस फार्मूले के तहत आप क्या कर सकते हो, जो आपके 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपके, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 100 में से मंगाए हैं ये वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि जो पहले फार्मूले में, लेकिन उससे भी मैं अगर आपको बताऊं तो उस फार्मूले से भी आप निकाल लीजिएगा, पुराने वाले से निकाल लीजिएगा, दोनों में फर्क देख लीजिएगा, कुछ भी बहुत ज्यादा फर्क होगा नहीं। तो इस फार्मूले में क्या होगा, आउट ऑफ 100 जो आपके मार्क्स 11 और 12th की एवरेज निकाल लीजिए, और जो मुझे उम्मीद है वो 10th के भी फार्मूला कुछ मार्क्स लेंगे, लेकिन 10th के लेने से आपको और फायदा ही होने वाला है, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे 11th प्लस 12th की एवरेज मार्क्स हर सब्जेक्ट का निकाला,
उसके हाफ कर लीजिए, जैसे आपको 80 आए तो उसके 40 ले लीजिए प्लस 50 उसके अंदर जोड़ दीजिए, तो आपके अगर 80 हैं आपके होम एग्जाम में तो कम से कम आपके 90 नंबर आने वाले हैं। तो ये आपका तीसरा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं क्लास 12th के लिए। तो टोटल इस तरह से अगर आप अपना कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट एक्यूरेट मार्क्स विच यू आर गोइंग टू गेट, और ये मार्क्स आपके हिसाब से सही हैं, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि यू विल गेट मोर मार्क्स देन दीज विच आई हैव टोल्ड नाउ। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।